आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव के बारे में, जो हंटर कमीशन था उसके सुझाव क्या थे उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं, यूँ तो भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर कमीशन आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से उड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति, मतलब उड डिस्पैच में जो घोषित शिक्षा नीति थी उसके इम्प्लीटेशन यानी क्रियान्वयन और रिजल्ट उसका जो निकला था उसका अध्ययन करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा की तात्कालिक स्थिति का अध्ययन करने और इसमें विकास और सुधार के उपाय खोजने हेतु की गई थी। तो मेन उड डिस्पैच को देखना था कि उड डिस्पैच जो इतने साल से चल रहा है उसका इम्प्लीटेशन क्यों नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ जो परिणाम उसके आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं उड डिस्पैच के, वो किस तरीके से आए हैं। और उसके साथ साथ इसका एक और था कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से देखते हैं कि हंटर कमीशन जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा पर यानी प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत फोकस था। तो इनका काम क्या था, सुधार करना था और विकास करना था। लेकिन उस समय इन्होंने महसूस किया कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा नीति, यानी इस समय कौन सी भारतीय शिक्षा नीति चल रही थी, उड डिस्पैच। तो तत्कालीन शिक्षा नीति यानी उड डिस्पैच जो चल रही थी उसमें इन्होंने संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया, जो उड डिस्पैच का पूरी तरीके से अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने समस्त पहलुओं पर सुझाव दिए। जितने भी उड डिस्पैच में नियम कानून रूल रेगुलेशन थे उस सब के बारे में इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि उड डिस्पैच के बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिया था। तो उड डिस्पैच आयोग ने सामान्यतः उड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 ईस्वी का समर्थन किया, यानी उड डिस्पैच का इन्होंने समर्थन किया था। और इन्होंने यह अनुभव किया कि इस नीति का क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं किया गया है। उड डिस्पैच नीति अच्छी है लेकिन इसका इम्प्लीटेशन यानी इम्प्लीटेशन मतलब लागू ठीक से नहीं किया गया है हर एरिया में, इसकी बात हंटर कमीशन के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ बोला गया कि इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ इन्होंने सुझाव दिए कि 1854 की जो शिक्षा नीति है उसमें हम कुछ सुझाव जो होते हैं शामिल कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने दो मुख्य सुझाव दिए थे। पहला सुझाव था कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो जो होता है वो निकायों पर, नगर निकायों पर छोड़ दे। मतलब कि उच्च शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए, यानी नगर पालिका और जिला परिषद जो होते हैं वो किसका लें, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व लें, लेकिन जो स्थानीय निकाय है वो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करें, ऐसा कहना था हंटर कमीशन का प्राथमिक शिक्षा के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं सरकार सहायता अनुदान प्रणाली में उदार नीति अपनाई, ये उड डिस्पैच में जो नीति अपनाई गई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलग से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपना सुझाव दिया था लेकिन ये उस प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है जो उड डिस्पैच में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अनुदान प्रणाली क्या होता है, सहायता प्रणाली, हम जो फंड देते हैं स्कूल को कॉलेज को जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में इनका क्या, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के शासनकाल में अधिकतर जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम था ना वो फंड पे रिलेटेड था, यानी फंड से चलता रहता था। जो भी मतलब बड़े बड़े लोग होते थे, जो ऊँचे तबके के अमीर लोग होते थे वो एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड करते थे। तो सहायता अनुदान प्रणाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में बताया, कुछ सुझाव दिया। इनका कहना था कि विद्यालयों के शिक्षकों वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान प्रदान की जाए। विद्यालय के शिक्षक का वेतन हो, छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण प्रयोगशाला और पुस्तकालय हेतु भी अलग से अनुदान यानी सहायता अनुदान इन सभी के लिए भी प्रदान किया जाए, क्योंकि ये जो सहायता अनुदान प्रणाली ही मेन सोर्स था, सरकार के द्वारा उतना प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ये अनुदान प्रणाली जो लोगों के द्वारा जो फंड रिलीज किया जाता जो दिया जाता था वो रिलेटेड था। दूसरा है सहायता अनुदान प्रणाली जो होती है वो उसके नियम जो होते हैं सरल एवं उदार बनाए जाए, इसके नियम सरल एवं उदार बनाए जाए। उसके बाद नंबर 3 है सहायता प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए जाए। जो भी सहायता प्रदान की जाती है, सहायता अनुदान के नियम जो होते हैं वो जो प्रांतीय आवश्यकता है यानी जो वहाँ लोकल चीज़ें हैं उसके अनुकूल बना दिए। मान लीजिए लोकल का मतलब हो गया कि किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई ऐसे एरिया में स्कूल है जहाँ बहुत गर्मी है तो वहाँ पर पंखा का फैसिलिटी दे दिया जाए, तो ये प्रांतीय आवश्यकता के अनुकूल हो गया। वहाँ गर्मी है तो वहाँ पंखा के हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया आवश्यकताओं के अनुकूल, ठीक है।
उसके बाद सहायता अनुदान के नियम अलग अलग मदों के लिए अलग अलग बनाए जाए, अर्थात अलग अलग मद का मतलब हो गया कि जैसे कि कुछ रख लिया जाए कि इस स्कूल में पेंसिल के लिए, चौक के लिए, बोर्ड के लिए इतना जाए, बच्चों के बेंच के लिए अलग से जाए, बच्चों के पुस्तकालय के लिए अलग जाए, बेंच के लिए अलग से जाए, बच्चों के भवन निर्माण, जो विद्यालय भवन निर्माण है उसके लिए अलग से जाए, बच्चों को जो राशि मतलब जो सुविधाएँ दी जाती हैं वो अलग दी जाए। तो अलग अलग मद का मतलब हो गया होगा अलग अलग चीज़, यानी अलग पुस्तक का अलग हो गया, फर्नीचर का अलग हो गया, विद्यालय भवन का अलग हो गया, तो अलग अलग मद बनाए जाए ऐसा कहना था। उसके बाद सहायता अनुदान के नियमों की सभी से अवगत कराए, मतलब सहायता अनुदान के भी जो भी नियम बनाया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति विशेषकर जो होते हैं प्रधानाचार्य को भी अवगत कराया जाए और इनका प्रकाशन भी कराया जाए। प्रकाशन कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा कितनी अनुदान राशि आई है, प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि अनुदान राशि कितनी आई है, ताकि हम उसको अच्छे से खर्च कर सके। तो ऐसा कहना था इनका। इसके पहले वो डिस्पैच में नहीं था, वो डिस्पैच में फंड आता था कहाँ से कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए ये जो था आपका हंटर कमीशन, ये सुझाव दे रहा था कि जो अनुदान राशि दी जा रही है वो कैसे खर्च करनी है। उसके बाद सहायता पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाए, किसी भी स्कूल में अगर हमको सहायता प्रदान करनी है तो उसके पहले हम उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि हाँ उसको ज़रूरत है कि नहीं। जब भी कोई अनुदान देने के लिए प्रार्थना पत्र आएगा, प्रार्थना पत्र दिया जाता था ना, जब आपको किसी तरह की आपके यहाँ पुस्तक नहीं है तो आप एक प्रार्थना पत्र याचिका देती थी, उसके अकॉर्डिंग आपको अनुदान राशि दी जाती थी। तो ऐसे प्रार्थना पत्र जब आते थे तब लोग आकर पहले विद्यालय का निरीक्षण करेंगे कि सच में उस स्कूल में या उस भवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है, पुस्तकों की ज़रूरत है कि विद्यालय भवन ठीक से नहीं है उसकी ज़रूरत है, तो उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद सहायता में भेदभाव नहीं बरता जाए, जो भी हम सहायता अनुदान प्रणाली दे रहे हैं या स्वीकृत करा रहे हैं किसी भी स्कूल के लिए, तो उसमें हमको भेदभाव बरतने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालयों की सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाई जाए, ऐसी नहीं कि उसको ज़रूरत आज है और उसको 10 महीना बाद वो राशि प्रदान की जाए, तो समय पर पहुंचाई जाए जो आपका उस डिस्पैच में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं की जाए। आपको मतलब बोला गया कि जो फंड आप दे रहे हैं सहायता अनुदान वो दीजिए, लेकिन विद्यालय का आंतरिक मामला में टीचर ये है, प्रिंसिपल वो होना चाहिए, इस टीचर को हटा दो, उस प्रिंसिपल को रख लो, तो वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना था उस डिस्पैच का। देन सहायता अनुदान अकारण बंद न हो, अगर किसी भी विद्यालय को हमको किसी भी विद्यालय का बिना कारण से हम उसकी अनुदान राशि जो होती है, सहायता राशि जो होती है, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इफेक्ट होंगे, टीचर इफेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। जो उप डिस्पैच की जितनी भी सहायता अनुदान प्रणाली में कमियाँ थी उसको इनको दूर करने की बात की थी और इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो आज हमने जाना कि जो हंटर कमीशन था उसने उप डिस्पैच के संबंध में क्या सुझाव दिए थे, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। थैंक यू सो मच।